लंबे समय तक एक स्थिति में बैठे या खड़े रहने से पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे वो सुन्न हो जाती हैं और इसकी वजह से पैरों में झंझनाहट सी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि लगातार एक ही पोजीशन में ना बैठें और अपनी पोजीशंस बदलते रहें। थायराइड की समस्या के कारण भी पैरों में झंझनाहट हो सकती है। दरअसल थायराइड होने पर पैरों में फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, जिसके कारण पैरों में झंझनाहट की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पैरों में झंझनाहट होना एक आम समस्या है। आम भाषा में इसे पैरों में झुंझुनी होना भी बोलते हैं। अक्सर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने या खड़े रहने की वजह से पैरों में झंझनाहट सी होने लगती है। इसकी वजह से पैरों में चींटी काटने जैसा महसूस होता है। आमतौर पर लोग इसे सामान्य परेशानी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर बार बार ये समस्या हो रही है तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पैरों में झंझनाहट होने का एक कारण डायबिटीज भी हो सकता है। शरीर में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण हाथ पैरों में झंझनाहट और सूनपन की समस्या हो सकती है। आंवले का जूस बाहर निकले पेट को अंदर करने में फायदेमंद साबित हो सकता है। आंवले में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन बूस्ट करने में मदद करता है। ऐसे में बढ़ते हुए पेट के फैट को कम करने के लिए आंवले के जूस का सेवन किया जा सकता है। पानी को उबालकर पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम करने में सहायक होती है। इसी तरह गुनगुना पानी पीने से वेट लॉस भी होता है। बारिश में भीगने के बाद होने वाले सर्दी जुकाम और खराब गले की समस्याओं से आराम पाने के लिए भी गर्म पानी की सलाह दी जाती है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उबालना। वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो पानी को अगर केवल 5 मिनट तक भी उबाला जाता है तो इससे पानी शुद्ध हो जाता है। इसलिए बरसात के मौसम में जब बीमारियां बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब लोगों को पानी उबालने भी कहा जाता है। इससे दूषित पानी से होने वाले डैमेज से हेल्थ को सुरक्षित किया जा सकता है। बच्चेदानी में गांठ होने पर पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। महिलाएं पेट दर्द को अक्सर इग्नोर करती हैं, जो आगे चलकर काफी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अगर आपको बार बार बिना कारण दर्द जैसा महसूस हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से जांच करवाएं, ताकि आपकी स्थिति का इलाज हो सके। बिना खाए पेट में काफी भरा भरा या फूले रहना भी बच्चेदानी में गांठ की ओर इशारा करता है। अगर आपके पेट में दबाव या फिर भारीपन जैसा महसूस हो रहा है तो फौरन अपने हेल्थ एक्सपर्ट की मदद लें। इस तरह के संकेत गंभीर हो सकते हैं। अपने डॉक्टर से जांच करवाएं, ताकि आपकी स्थिति का इलाज हो सके। चेहरे पर साबुन की जगह उपटन लगाएं, इससे चेहरे पर हमेशा रौनक बनी रहेगी और झुर्रियां नहीं आएंगी। खांसी है तो अगर नहीं जा रही है तो दूध में बतासे डालकर पिए, इससे खांसी में जल्दी आराम मिल जाता है। काले हाथ पैरों पर नींबू का रस मलाई में मिलाकर रोजाना लगाने से सांवली त्वचा भी धीरे धीरे गोरी होने लगती है और त्वचा चमक उठती है। सुबह के समय नींबू और शहद को गर्म पानी के साथ पीने से भी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये आपको हेल्दी रखने और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ ही शरीर से एक्स्ट्रा फैट को हटाने में मदद करता है। पूरे दिन में 5-5 मिनट करके 1 घंटे तक उकड़ू होकर जरूर बैठे, इससे नसों के ब्लॉक ठीक रहती है और हम फिट रहते हैं। इससे कब्ज, माइग्रेन, एसिडिटी, पेट गैस, सर दर्द, कमर दर्द, मोटापा, बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती है। जिन लोगों का यूरिक एसिड लेवल हाई होता है, उन्हें सोयाबीन के सेवन से बचना चाहिए। इन लोगों को सोया से बने फूड्स का सेवन कम से कम करना चाहिए। दरअसल सोयाबीन के सेवन से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। रात में सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुने दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीना चाहिए। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है और रूखेपन की समस्या भी दूर होती है। दाल के साथ परवल, बीन्स जैसी सब्जियां बनाने जा रही हो तो इन्हें काट कर दाल के साथ ही प्रेशर कुकर में उबाल लें। सब्जियों को एक छोटे बर्तन में रखकर ऊपर से ढक्कन लगाकर कुकर में रखें। बाद में कढ़ाई में दाल और सब्जी का अलग अलग मसाला भून कर तैयार करें। इस तरह दो चीजों को एक साथ बनाने से समय की बचत होगी। बच्चेदानी में सिस्ट होने पर महिलाओं को बार बार बुखार जैसा महसूस होता है। कई बार बुखार हल्के या फिर तेज हो सकते हैं। ऐसे संकेतों को इग्नोर करने से बचें। कई बार 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 बुखार आना भी गंभीर हो सकता है। इस तरह के संकेत बच्चेदानी में गांठ के हो सकते हैं। पुदीने की चटनी को मिक्सी में बनाते समय ज्यादा देर तक ना पीसें, वरना कड़वा स्वाद आएगा। ज्यादा देर तक पीसने से पत्तियों के तेल से गंध आना शुरू हो जाती है।
यदि आपको अक्सर मुंह में छाले होने की शिकायत रहती है तो रोजाना खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाया करें। गुलाब की पत्तियों का पाउडर कच्चे दूध के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ होता है, साथ ही चेहरे पर ग्लो भी बढ़ता है। जिन औरतों के स्तन ढीले होते हैं उन्हें जैतून के तेल से मसाज करनी चाहिए। तेल को थोड़ा गुनगुना करें और दिन में दो बार कम से कम 20 मिनट के लिए अपने स्तनों की हल्की हाथों से मसाज करें। ये कम से कम 60 दिनों तक करें, इसका असर उसके बाद दिखना शुरू होगा। मिश्री का पानी पीने से आपको गर्मी से राहत मिलती है। मिश्री की तासीर ठंडी होती है, आप गर्मियों में मिश्री का पानी पी सकते हैं। चेहरे पर साबुन की जगह उबटन लगाएं, इससे चेहरे पर हमेशा रौनक बनी रहेगी और झुर्रियां भी नहीं आएंगी। गर्मियों में इन चार कारणों से भी हो सकता है हार्ट अटैक, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये चार गलतियां? नंबर 1, एयर कंडीशनर की आदत। गर्मियों में कुछ लोगों को एसी में रहने की आदत लग जाती है और गर्मी ज्यादा होने के कारण वो एसी में बहुत कम तापमान में रहने की आदत डाल लेते हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। ज्यादा ठंडा तापमान रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ सकता है, जिसके कारण हार्ट के मरीजों के लिए हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सही डाइट ना लेना। गर्मियों के दिनों में कुछ लोग अपनी डाइट का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। मौसम के अनुसार डाइट लेने पर ही बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है और ऐसा ना करने पे कई बीमारियां बढ़ जाती है। सही डाइट ना लेने के कारण मरीजों को कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के खतरे को भी बढ़ा देता है। पानी कम पीना। गर्मियों के दिनों में शरीर को अपना तापमान ठंडा रखने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है और इसलिए पानी पीते रहना चाहिए। वहीं जो लोग गर्मी के मौसम में कम पानी पीते हैं, उनके शरीर में पानी की कमी लगातार होने लगती है, जिसमें डिहाइड्रेशन के साथ साथ हार्ट जैसी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। महिलाओं को तेजी से वजन कम करने के लिए जीरा पानी का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि जीरा पानी एक लो कैलोरी ड्रिंक है जो बेली फैट को बर्न करने में मदद करता है। साथ ही इसके सेवन से भूख कम लगती है, जिससे वजन को तेजी से कम करने में मदद मिलती है। यदि शरीर में कमजोरी है तो बादाम, किशमिश और केला दूध में मिक्स करके पिए, इससे शरीर को ताकत मिलेगी। बैंगन की सब्जी का सेवन करने से आयरन की कमी पूरी होती है। जिन लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं तो उन्हें अनार के रसों को बालों में लगाने से लाभ होगा। जामुन खाने से मसूड़ों की सूजन और दांतों की सनसनाहट और दांतों का पीलापन दूर हो जाता है। आम खाने के बाद तीखा या मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपको गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा ऐसा करने से त्वचा पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आम खाते समय या आम के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल इन दोनों में ही शुगर की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है। खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बेहद नुकसानदायक माना जाता है। आम खाने के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा करने से पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपको पेट दर्द, गैस, अपच जैसी पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है। आम खाने के करीब आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। महिलाओं के लिए अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद होता है, ये त्वचा और बालों के लिए अधिक लाभदायक है। अश्वगंधा के पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर पीना चाहिए। यदि आपको अचानक ठंडा लगने का एहसास हो रहा है तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, इससे आपकी ठंड कम होगी। चेहरे को धोने के लिए सादा पानी की जगह दिन में एक बार चावल के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे चेहरे का रंग साफ होता है। खाना खाने के बाद सौंफ या गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे पाचन क्रिया ठीक रहती है और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही जानकारी और टिप्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो में अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।